नाउ इफ यू सी वर्ल्ड वॉर टू में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जो कि न्यूट्रल थी बट फिर भी उनके साथ उन पर इन्वेड किया गया। लेट्स से ईरान को ले लो आप, अगर आप ईरान को देखो तो ईरान वर्ल्ड वॉर टू में बिल्कुल न्यूट्रल कंट्री थी बट अलाइज ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया सिर्फ इस फियर में कि जो शाह हैं जो 1940s में ईरान के लीडर हुआ करते थे वो जर्मनी के बहुत अच्छे अलाई हैं, तो शायद जर्मनी जो है ईरान को यूज करके रशिया तक अपने ट्रूप पहुंचाए और पूरा पर्शियन कॉरिडोर पर कब्जा कर ले। सिर्फ इस डर से अलाइज ने ईरान पर कब्जा कर लिया और मिलियंस ईरानी जो है उसमें मारे गए। अब इंडियन सोल्जर्स को देख लो, कितने सारे मतलब लाखों इंडियन सोल्जर्स फ्रंट लाइन पर लड़े और कितने सारे शहीद हो गए जबकि इंडियंस का तो कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं था। तो एलाइज ने ऐसे करके बहुत सारी कंट्रीज को उसमें घसीट दिया था। तो अब ईरान वाला जो इशू था एक्चुअल में अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखोगे तो वो पूरा बाकू ऑयल फील्ड्स का एजेंडा था। बाकू ऑयल फील्ड्स पर कब्जा करना था एलाइज को, वो नहीं चाहते थे कि वो ऑयल फील्ड निकल जाए उनके हाथ से जिसको रशिया और ब्रिटिश दोनों यूज कर रहे थे। तो उस ऑयल फील्ड पर कब्जा करने के लिए इन्होंने ईरान को इन्वेड किया और लाखों ईरानी उसमें मारे गए।